आज का जो मेरा लेक्चर है, एक्चुअली ये बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जी मैम पेपर पैटर्न बता दें। तो सबसे पहले जो है, आज मैं आपसे थर्ड ईयर इंग्लिश, बीए की इंग्लिश, एडीपी आर्ट्स इंग्लिश, ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर एग्जाम्स होते हैं, उनके पेपर पैटर्न को शेयर करूँगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी इंग्लिश ए का पोर्शन। ठीक है, इंग्लिश ए में आप देखते हैं सबसे पहली बात जो है ना, क्वेश्चन नंबर वन जो आपको आएगा, दैट विल बी आरटीसी, जिसको हम शॉर्ट एब्रीवेशन के तौर पे काम बात करते हैं। आरटीसी का मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सॉरी 5 ऑप्शन होंगी, 3 उसमें से जो होंगी वो आपको पॉइंट्स में से स्टैंजा आएंगे, और आपने बताना है कि वो किस पॉइंट्स में से आए, किस पॉइंट की लिखी हुई पॉइंट्स में से आए, और उसमें फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। 3 पॉइंट्स में से होंगे और 2 स्टैंजा से होंगे, 2 डायलॉग से होंगे, वो प्लेस में से होंगे, और आपने उनको अटेम्प्ट करना है। टोटल आपके इसमें जो आप मार्क्स गेन करते हैं वो आउट ऑफ 20 आपको आएंगे। ठीक है, और 5 में से कोई से 3 आपने उसमें अटेम्प्ट करने होंगे। 3 पॉइंट्स में से होंगे, 2 प्लेस में से, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड है एक पोर्शन होगा, जिसमें आपने पॉइंट्स में से सवाल आपके जो आएंगे 10-10 नंबर के, 3 सवाल में से 2 सवाल आपने इसमें अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह आप 10-10 मार्क्स के टोटल 20 मार्क्स आप यहां से गेन करते हैं, जिनमें से आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 20 वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में से होंगे, वो 3 सवाल होंगे 10-10 नंबर के, उनमें से 2 क्वेश्चन से आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे इंग्लिश में आपको शॉर्ट स्टोरीज और वन लाइन प्लेस जो आपके हैं उनमें से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे शॉर्ट स्टोरीज में से और 1 होगा प्ले में से। आपने उन 3 में से कोई से 2 उनका जवाब देना है, 10-10 मार्क्स के टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे भी हो जाते हैं। उसके बाद जनाब आपका इंच डी का पोर्शन है उसी दिन उसी पेपर में, और ये पेपर टोटल जो है आपका 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, उसमें क्या आपके पास इंग्लिश डी में सिर्फ 2 चीजें हैं, प्रेसी राइटिंग नंबर 1, जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। प्रेसी राइटिंग में होता क्या है कि गिवन पैसेज होता है और उसमें नीचे उसके आपको 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, और एक 6 क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, जिसका मतलब है कि आप इसकी आपने उस पैसेज की प्रेसी बनानी है, और उसके कुछ डेफिनेट रूल्स हैं, प्री डिफाइंड कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। उस पर मेरा एक लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेसी राइटिंग के बाद आ जाते हैं जनाब ट्रांसलेशन पे, इंग्लिश बी की जो सेकंड आपके पास क्वेश्चन होगा, दैट इज ट्रांसलेशन पैसेज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। 15 नंबर का एक पैसेज होगा दिया गया, जिसके ऊपर आपने उस इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। अनसीन पैसेज, इसके लिए भी प्रेसी राइटिंग का भी अनसीन पैसेज। ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन होती है, या तो आप 15 मार्क्स के लिए इसको अटेम्प्ट कर लें ट्रांसलेशन पैसेज, या फिर डायलॉग राइटिंग, आपको कोई ना कोई डायलॉग दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने एक मुकम्मल डायलॉग राइटिंग जो आपने शेयर करनी है, और ये दोनों जो चीजें होंगी जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे वो 15 मार्क्स का होगा। इस तरह हमारी इंग्लिश बी जो है वो टोटल 40 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश ए टोटल 60 मार्क्स का, और इस तरह से पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे में आपने ये काम करना है, सो टाइम मैनेजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपकी अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है, वरना पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होता ज्यादातर बच्चों से। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।